हर जगह जो है जितने भी अहम स्थान हैं वहाँ आरएसएस के लोगों को बैठा दिया गया है, भाजपा के लोगों को बैठा दिया गया है। ये तो सच्चाई है, जो सच है उसमें बोलने में तकलीफ क्या, उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं बताए, लोग पूछे सवाल कि वो भाजपा के हैं कि नहीं है, क्यों नहीं बताते हैं। अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, रैली है उनकी, रोड शो है आज अमित शाह का यहाँ, रोड शो। कतनिया करने में अंतर है बड़ा भारी, क्या लग रहा है कहीं और आप देखिए टशन क्या है, बेचारे लोग की हालत ख़राब है। अमित शाह जो हैं आए देखने नीतीश जी को शक की निगाह से, और नीतीश जी शक की निगाह से उनको देख रहे हैं, स्वार्थ के लिए ये लोग एकजुट हुए हैं। अगर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने अपने नेताओं से बुलवाना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री जो होंगे नीतीश कुमार होंगे, तो जब एक दूसरे को संदेह और शक की नज़र से भाजपा और नीतीश कुमार देखने का काम कर रहे हैं, तो बताएं जनता के बीच, बताइए आप मंदिर में चले जाएं शपथ ले लें, शपथ ये ले लें कि एक दूसरे के पीठ पे छुरा नहीं भोंकेंगे, शपथ ये ले लें मंदिर में जा कर के कि जनादेश का अपमान फिर से नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार जी स्वार्थी आदमी हैं और बीजेपी भी है, डीएनए का गाली देती थी, अभी मैच हो गया, एक वो बोलते थे बड़का झूठा पार्टी, अभी स्वार्थ की राजनीति हो रही है और एक दूसरे को शक की निगाह से ये लोग देख रहे हैं। तो वही अमित शाह जी आए हैं देखने, लेकिन अमित शाह जी से पूछिएगा कि ये जो ओबीसी सब कोटा 10% वाला जो ख़त्म हो गया है, आपका पूरी तरीके से रोहिणी कमीशन बैठी थी और एक अखबार में, अंग्रेज़ी अखबार में इसका आर्टिकल भी आया था कि कोयरी, कुशवाहा, दांगी, कुर्मी, पटेल, अहीर, इनका आरक्षण क्यों समाप्त कर दिया। तो ये तो रिपोर्ट को न, मेरे घर का रिपोर्ट तो है नहीं, ये तो एक नामी गिरामी जो देश का अखबार है अंग्रेज़ी अखबार, उसमें ये आर्टिकल आया है। तो इनके कथनी और करने में भारी अंतर है। ये लोग, हम लोग जो कहते थे कि संविधान पे खतरा है, आरक्षण पे खतरा है, अब ये लोग वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कहा करते थे। लोग हम लोगों से सबूत मांगते थे, देख लें अमित शाह आए हैं तो इसको जस्टिफाई करें, क्लियर करें कि क्या मैटर है, और अमित शाह समझ जाए अगर हल्का सा भी अगर हमारे आरक्षण पे खतरा आएगा तो अंजाम बुरा होगा। अरे ये लोग तो प्रधानमंत्री पे सवाल उठा चुके हैं, लेकिन केसी त्यागी जी से पूछिएगा कि चाचा की अब ये स्थिति हो गई कि पहले अपने सुंदर से चेहरे पे वोट मांगते थे, फिर ये पुलवामा पे मांग रहे हैं, भारतीय सेना पे मांग रहे हैं, अब ये स्थिति आ गई जिसका थाली खींचे थे, जिसका फोटो नहीं देखना चाहते थे अपने साथ जब लगता था लुधियाना वाला, अब उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो कहाँ गया हमारे चाचा का सुंदर सा चेहरा।